आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आप किस तरीके से गूगल पे की मदद से किसी के फोन नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर ले ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियोज है उनकी जो भी जानकारी वो सबसे पहले मिले। अब बेसिकली बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पर गूगल पे है उसकी हेल्प से किसी के मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है न्यू पेमेंट, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर कि लिखा हुआ है पीपल एंड बिल्स बिजनेस और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है रिचार्ज एंड पे बिल्स और वहीं पर लिखा हुआ है मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट। इसके नीचे आपको ये दिखाई दे रहा होगा जहां पर लिखा हुआ है ट्रांसफर मनी। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें है बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर, यूपीआई आईडी और क्यूआर सेल्फ ट्रांसफर। तो इसमें से जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है फोन ट्रांसफर। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने फोन ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया यहां पर मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। अब यहां पर मैं अब जिस नंबर पर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं वो वाले नंबर लिखूंगा। तो मैं अपने जो फ्रेंड है उसके नंबर यहां पर टाइप कर देता हूं। जैसे ही मैंने उसके नंबर टाइप किए तो यहां पर आप देख सकते हो कि नीचे यहां पर एक सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है। सर्चिंग का ऑप्शन आने के बाद यहां पर उसका नाम आ गया है। तो देखिए एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि गूगल पे की हेल्प से आप किसी के फोन नंबर पर पैसे उसी वक्त ट्रांसफर कर सकते हो जब सामने वाले आदमी का भी गूगल पे पर अकाउंट हो। तो यहां पर जैसा कि मेरे दोस्त का गूगल पे पर अकाउंट है तो यहां पर उसका नाम आ गया है। अब मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो अब यहां पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आ गया। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक वाला पे और एक है रिक्वेस्ट। तो यहां पर इन दोनों ऑप्शंस का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए रिक्वेस्ट का मतलब यह होता है कि जब आपको किसी से पैसे रिक्वेस्ट करने हो तो उस केस में आपको रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और जिससे आप पैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में आपके खाते में उसके अकाउंट से पैसे आ जाते हैं। जनरली क्या होता है कि यहां पर ये जो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है इसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग आपको जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो फोन करते हैं उसके बाद आपको बोलते हैं कि आपके अकाउंट में मैं पैसे भेज रहा हूं तो आप आपके जो यूपीआई पिन है वो टाइप कर देना और उस वक्त वो पैसे भेजने के बजाय आपसे पैसे रिक्वेस्ट करते हैं और जैसे ही वो पैसे रिक्वेस्ट करते हो और आप यूपीआई पिन डालते हो तो उस केस में आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो यहां पर आपको सावधानी बरतनी है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पैसे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं या आपको पैसे भेजे जा रहे हैं। अब चूंकि हमें यहां पैसे भेजने तो मैं पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल रहा होगा। अब मुझे जितने पैसे भेजने हैं मैं वो जो अमाउंट है वो टाइप कर लेता हूं। उसके बाद मुझे ये वाला जो ऑप्शन है ये जो एरो बना हुआ है मुझे इस वाले एरो पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही मैं इस वाले एरो पर क्लिक करता हूं यहां पर कुछ इस तरीके की जो डिटेल से आ जाती है जिस बैंक में अकाउंट है उसका नाम यहां पर आ जाएगा, साथ ही साथ नीचे मेरी यूपीआई आईडी भी लिखी हुई है। अब यहां पर मैं पे पर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो जैसे ही पे पर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझसे मेरे यूपीआई पिन जो है वो मांगे जाएंगे। अब इसके बाद सिंपल सी स्टेप है कि आपको आपका जो भी यूपीआई नंबर है वो डालना है, यूपीआई पिन डालना है और आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सिंपली किसी के भी खाते में पैसे जो है वो भेज सकते हो बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जिस को आप फोन नंबर पर पैसे भेज रहे हो उसका भी गूगल पे पर अकाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ आप जो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है उससे बच करके जरूर रहिएगा क्योंकि वहां से आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।